मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमारा सेवन्थ लेसन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स, उसके हमने एक्सरसाइज 1 और 2 कर रखी है। अब आगे का हम रीड करते हैं। इसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हम बनाते कैसे, नाउन से हम एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन वर्ब एंड फ्रॉम एडजेक्टिव्स देमसेल्फ। एडजेक्टिव को हम नाउन वर्ब और उस खुद एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन, नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनते हैं वो आपको बता रखे हैं। बॉय, अब बॉय से एडजेक्टिव बनेगा तो उसके पीछे आई एस एच लगेगा, बॉयश। फुल, फुलिश। केयर, केयर का केयरफुल भी होता है, केयरलेस भी होता है। होप, होप का होप फुल भी होता है, होप लेस भी होता है। ट्रबल, ट्रबलसम। गोल्ड, गोल्डन। सिल्क, सिल्किन। तो ये जो दे रखे हैं वर्ड्स, इनको आप रीड कीजिएगा नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो, ये दे रखा है फुल। फुल मतलब होता है बेवकूफ़, है ना। और फुलिश मतलब जो अपन फुलिश चीज़ें करते हैं ना, काम वाली चीज़ें नहीं होती है वो, है ना। तो ये ऐसे ही नाउन से एडजेक्टिव बने हुए। फिर आता है एडजेक्टिव फॉर्म बाय वर्ब। वर्ब से कैसे बनते हैं, जैसे वर्ब क्या है हमारा, टॉक, बोलना। एक वर्ब है, काम, काम है, उससे एडजेक्टिव कैसे बनेंगे, बनेगा जैसे टॉकेटिव, वो ज़्यादा बोलने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव, है ना। वैसे ही मूव से मूवेबल, डिसाइड से डिसेसिव। वैसे ही ये वाले जो वर्ड्स दे रखे हैं आपके, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना। और फिर आता है एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव कैसे बनता है, जैसे ब्लैक, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ब्लैक से एडजेक्टिव कैसे बनेगा, ब्लैकिश, जो ब्लैकिश कलर का है ना। वैसे ही ये वाले एडजेक्टिव्स दे रखे हैं और उनके एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बना हुआ। ये वाली जो है टेबल आप रीड कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो करेंगे। गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन जो ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनके आपको एडजेक्टिव फॉर्म बनाने हैं। हम बनाएंगे यूज से यूजफुल, है ना। यूजफुल। चाइल्ड, चाइल्डिश। मंथ, मंथली। ईयर, ईयरली। थर्स्ट, थ्रस्टी। फूड, फूडी। लव, लवली। ब्लैक, ब्लैकिश। ग्रीड, ग्रीडी। प्ले, प्लेफुल, ठीक है। तो जो भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं ना, उनके पीछे कोई वर्ड जुड़ जाते हैं तब वो जाके एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फोर्थ एक्सरसाइज, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये भी सेम एज इट इज है, जो वर्ड्स दे रखे हैं उनसे हमें एडजेक्टिव बनाना है। हेल्थ, हेल्दी। सिक, सिकी। मूव, मूवेबल। गोल्ड, गोल्डन। होप, होपफुल। होल, होलसम। करेज, करेजियस। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। डर्ट, डर्टी। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। ट्रेजिक, ट्रेजिकल। फुल, फुलिश। टायर, टायरलेस। रेड, रेडिश। ट्रबल, ट्रबलसम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि राम इज़ अ हेल्दी बॉय। अब यहाँ पर हमने लिखा राम इज़ अ हेल्दी बॉय, ठीक है। तो हम हेल्दी की जगह हेल्थ लिख सकते हैं क्या, राम इज़ अ हेल्थ बॉय, नहीं ना। तो हेल्दी एक एडजेक्टिव है, वो किससे बना है, हेल्थ से बना है। हेल्थ हमारी स्वास्थ्य होता है, तो एक स्वस्थ लड़का है राम, तो हेल्दी बॉय आया। इसलिए हम यहाँ पर हेल्थ यूज़ नहीं करेंगे, हेल्दी यूज़ करेंगे तो हेल्दी क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा राम का, है ना। फिर आता है रिडल टाइम। अब यहाँ पर है फिल इन द बॉक्सेस टू फॉर्म अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। यूज द हिंट गिवन विद ईच ऑफ द वर्ड। ये आपके हैं, इसको आपको फील करना है, वर्ड्स दे रखे हिंट, उसमें से लिखना है। समवन हु डजंट लाई, जो झूठ नहीं बोलता है, कौन होता है, ऑनेस्ट। तो honest, ऑनेस्ट। सेकेंड वाला आ रहा है समथिंग दैट इज सैड, कुछ सैड होती चीज़ तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेजिक, TRAGIC, ट्रेजिक। थर्ड है समवन हु इज नॉट केयरफुल, जो केयरफुल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, केयरलेस। तो केयरलेस, CARELESS। फोर्थ आ रहा है हमारा समवन हु इज नॉट फिट, जो फिट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, सिक। तो SICK, सिक। फिफ्थ है समथिंग सेड इन अ काइंड मैनर, किसी को कोई अच्छे तरीके से बोला जाए तो उसे काइंडली बोलते हैं, KINDLY, काइंडली। सिक्स्थ आ रहा है इट इज़ अ कलर,
कौन सा कलर है? वाई से स्टार्ट होने वाला, येल्लो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येल्लो। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये हमारी एक्सरसाइज 4 तक आज हमने की है अपनी बुक में। नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर है हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।